तू ही मुझसे मिल, तू ना कभी दूर जा, तू यहाँ के सांस ले, मेरी बाहों में आ, तू ही मुझसे मिल। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टर का था, और उसमें क्या है कि एक लड़का है जो कि सपने में एक लड़की को देखता है। यार रोमांटिक सॉन्ग में बनाता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है और सबसे कनेक्ट भी होता है। इसलिए हम लोग मिले थे उसी दिन जिस दिन शूट था, तो बॉन्डिंग हो गया था क्योंकि एक तो हमारा ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस भी नहीं है हमारा। के सर को कितना मिस कर रहा हूँ? बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ एक्चुअली। मैं सेंसेस में नहीं था जब मैं सुना। जब मैं हाय, मैं हूँ राघव चैतन्या एंड यू आर वॉचिंग भारत 24। हेलो गाइस, दिस इज दीपक पांडे, यू आर वॉचिंग नाउ भारत 24। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर, आपका भारत 24 में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। सर आपका, बात करूँ सॉन्ग की, तो बहुत, मैंने खुद देखा सॉन्ग बहुत लाजवाब है। लोग बहुत प्यार दे रहे हैं आपके सॉन्ग को, खास करके आपके आवाज़ को बहुत प्यार दे रहे हैं। आप किस तरह से देखते हो, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको? रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, और मेरे जो फ्रेंड्स और फैमिली उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश, हैप्पी सॉन्ग है तो सब खुश हैं, मतलब सबकी सब अच्छा है। सर मैं आपकी सॉन्ग की बात करूँ, दिल खूबसूरत एक टुकड़ा धूप, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद आया था, मैं सुना हूँ पूरा। हाँ, थप्पड़ वाला आपको अवार्ड भी मिला था उस सॉन्ग को लेकर, क्या कहना चाहोगे? आप हमेशा से कुछ ना कुछ यूनिक सा कॉन्सेप्ट लेके आते हो, ये कॉन्सेप्ट जो लाए हो, ये कितना टाइम लगा, कितना समय लगा आपको? समय तो बहुत ज़्यादा नहीं लगा, 2 महीना लगा, बट वो साउंड जो होता है वो क्रैक करने में थोड़ा टाइम लगता है। बिकॉज क्या, साउंड ट्यून तो कंपोज हो जाता है, बट साउंड क्या करना है, कौन किस पे पॉप करना है, या क्या एकदम इस गाने को अकूस्टिक भी कर सकते थे, पर वो साउंड पॉप क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 2 महीना लगता है, 2 महीने से कम में नहीं होता। सर मैं आपका सॉन्ग सुना तो उसमें एक सीन था, आप अपना वीकनेस लिखते रहे हो तो ब्लैक बोर्ड पे, हाँ, तो उसमें आप लिखते हो फैशन, डांस, फिटनेस, क्या कहना चाहोगे उसके ऊपर? क्या ये सब करने से लड़कियाँ इम्प्रेस होती हैं? नहीं यार, मेरे को नहीं लगता होती हैं एक्चुअली। और मैंने क्या भी नहीं था, वो जो ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टर का था, और उसमें क्या है कि एक लड़का है जो कि सपने में एक लड़की को देखता है, और फिर वो उसको चाहता है कि मैं इससे बात कर लूँ कैसे करके, तो वो अपने वीकनेसेस लिखता है। तो ऐसा मैं एक ऐसे लड़के की स्टोरी है कि वो मतलब वो नींद में उस लड़की को देखता है, और जब जब वो उठता है रियलिटी में तो उसको पता होता है कि वो अंडर कॉन्फिडेंट है, सॉरी, और वो स्मार्ट नहीं देखता, वो वीकनेसेस लिखता है अपनी, फिर उस पर काम करना शुरू करता है, वो जिम जाता है, वो उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ख़राब होता है, तो इसलिए फिर वो अच्छे कपड़े पहनना शुरू करता है। तो ऐसा ऐसा होता है वो, जिससे उसको लड़की मिल जाए, पर उसको मिल जाती है, पर रियल लाइफ में कुछ नहीं होता ऐसा। मैं इतना ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें लड़की मिल जाता, तुम्हें अपना प्यार मिल जाएगा इससे। बात करूँ मुझसे मिल, कितना वक्त लगा इस सॉन्ग को, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मुझसे मिल गाना बनाने में 2 महीना लगा, उसके बाद वीडियो का जो टाइमलाइन स्क्रिप्टिंग वगैरह में भी टाइम लगा, तो कुल मिला के लगा यार 4-5 महीना लगा पूरा, मतलब वीडियो तक आने में, रिलीज तक। साथ ही मैं बात करूँ, मैं आपका काफ़ी सॉन्ग सुना हूँ, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग रहता है, ये भी रोमांटिक सॉन्ग है, इस सॉन्ग को लेकर क्या कहना चाहोगे? काफ़ी रोमांटिक सॉन्ग आप बनाते हैं। यार रोमांटिक सॉन्ग में बनाता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है और सबसे कनेक्ट भी होता है, और वैसे तो हाँ, मतलब मैंने मैक्सिमम रोमांटिक सॉन्ग ही गाए हैं, सैड रोमांटिक या हैप्पी रोमांटिक, बट मैं कुछ और भी, कोई मुझे कुछ गाने के बोले तो मैं ट्राई करना चाहूँगा, मैं करता भी हूँ घर पे, बट हाँ मतलब चलता है यार, मतलब आप जानते हो, मतलब रोमांटिक तो थोड़ा ज़्यादा सुनते हैं लोग, और सब सॉन्ग पार्टी सॉन्ग भी सुनते हैं, पर रोमांटिक तो चलता ही रहेगा, वो कब से चल रहा है, वो मेरे पापा के टाइम से चल रहा है, अच्छा चलता रहेगा। यही है, मैं बात करूँ कंपोजर की, लिरिक्स की, बहुत ही कमाल के हैं, इसको लेकर क्या कहना है आपका? कौन सा है? मुझसे मिल का वो कंपोज़र मैं हूँ गाने का, मैंने बनाया है, लिरिक्स रश्मि विराग सर ने लिखे हैं, जो कि एक बहुत ही सीनियर लिरिसिस्ट हैं हमारे इंडस्ट्री के, और बहुत लेजेंडरी लिरिसिस्ट हैं, तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि वो मेरे लिए लिख देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से गाना भी अच्छा होता है, और हाँ, तो मैंने कंपोज़ किया और विराग सर ने लिखा है। साथ ही बात करूँ, आपका और अनुष्का जी भी हैं इसमें, काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग दिखा मुझे सॉन्ग के अंदर, क्या कहना चाहोगे रियल लाइफ में किस तरह का बॉन्डिंग था आपका? एक्चुअली हम लोग मिले थे उसी दिन जिस दिन शूट था, तो बॉन्डिंग हो गया था क्योंकि एक तो हमारा ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस भी नहीं है हमारा, मतलब 3-4 साल का एज डिफरेंस है, और ऑल्सो वो बॉम्बे से है, मैं भी बॉम्बे में रह रहा हूँ बहुत टाइम से, तो हमारा थाट्स मैच हो गए, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऐसा लग नहीं रहा था शूट करते हुए कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं,
तब ऐसा लगा था कि पहले से फ्रेंड है, तो वो आपको दिखेगा स्क्रीन पे, अच्छा लग रहा है देखने में. ऐसे भी कुछ भी आपको अजीब नहीं लगेगा स्क्रीन पे कि ये लोग क्या आज ही मिले हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा स्क्रीन पे. साथ ही बात करूँ लोकेशन की, तो लोकेशन हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर सॉन्ग में. लोकेशन में देखा बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन था, आपने पर्सनल कितना एंजॉय किया लोकेशन को? लोकेशन मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया बिकॉज अच्छा था, मतलब सामने समुद्र भी था और अंदर भी काफ़ी वो विंटेज फील था उस रिजॉर्ट का. वो मड में मैंने शूट किया है, मड में ही शूट किया है, एक दिन में शूट हुआ पूरा. बट बहुत काफ़ी पीसफुल था और काफ़ी मतलब बिल्कुल मतलब शोर शराबा नहीं था, बहुत शांत था, बहुत शांति थी और मतलब वहाँ का वाइब बहुत अच्छा था, काफ़ी पॉजिटिव था जी. साथ ही मैं कमेंट चेक किया, लोग आपके बॉयज़ को बहुत प्यार देते थे. अच्छा. आपके फैंस. अच्छा. कुछ दो लाइन गाना चाहोगे अपने फैंस के लिए? हाँ, मैं गाऊँगा, तू ही मुझसे मिल, तू ना कभी दूर जा, तू यहाँ के सांस ले, मेरी बाहों में आ, तू ही मुझसे मिल. एक गाना है, प्लीज़ स्ट्रीम करिए जा करके, जिसने नहीं सुना है वो प्लीज़ सुनिए. बहुत ही कमाल का सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये सॉन्ग, मैं तो दोबारा फिर सुनूंगा जाके. साथ ही आने वाले समय में और क्या कुछ नया सॉन्ग सुनने मिलेगा? और कुछ हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ तो नया, कुछ साउंड करने का, तो वो सुनने को मिलेगा. बाकी मेरे फिल्म सॉन्ग्स भी आते रहेंगे, वो धीरे धीरे आएंगे, मैं बता नहीं सकता शायद अभी, पर हाँ आते रहेंगे और बहुत एक्साइटिंग सॉन्ग्स हैं आगे. के सर को कितना मिस कर रहे हो? बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ मैं. एक्चुअली मैं सेंसेस में नहीं था जब मैं सुना, जब मैं सुना मैं उस वक्त गोवा में था, मैं दो दिन एकदम नंब हो गया था. मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, तो हमेशा रहूँगा और हम सब हैं, कौन नहीं है. हाँ, ये तो बात सही. बहुत आपकी वॉइस बहुत कमाल की है, मुझे बहुत पसंद आई आपकी वॉइस. एनी मैसेज फैंस? बस यार, मेरे गाने जो भी रिलीज़ होते हैं पहले के जो गाने वो भी सुनते रहो, जो नए गाने आते हैं वो भी सुनते रहो, बस सुनते रहो, स्ट्रीम करते रहो, अपना प्यार देते रहिए सब लोग. यही है दुआ, मतलब मेरे लिए दुआ 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 कीजिए. एक्चुअली दुआ तो मैं क्या दूँ, आप मेरे लिए दुआ दुआ कीजिए. बस यही है, बस कीप लिसनिंग टू माई स्टफ, जो भी रिलीज़ होने वाला है, जो भी रिलीज़ हो चुका है, हमेशा प्लीज़ ऐसे प्यार देते रहिए. थैंक यू. थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया.